अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जुम्मे की इवनिंग वाली रेसिपी जो हम लेकर आए वो है मटन ग्रेवी। मटन ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार बनती है और किस तरीके से बनाई जाती है, इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। आप घर के मसालों से इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पर और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमारे पास है तकरीबन 1.5 किलो मटन, 1.5 किलो हमारे पास मटन बकरे का गोश्त है, वो ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 कटे हुए प्याज और ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक और ऐड कर देंगे इसमें कुछ साबुत गरम मसाले। यहाँ पर है काली मिर्च, 6 से 7 दाने हैं और 5 से 6 लौंग हैं, 2 जो है वो बादियान के फूल हैं, 3 दालचीनी हैं, 2 तेज़पात हैं और 6 छोटी इलायची है, 4 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1.5 ग्लास पानी और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आप भी हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई की करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कुकिंग जो है वो किस तरीके से हुई है हमारी रेसिपी के थ्रू और कैसा गुजरा सबका जुम्मा, कौन कहां कहां से हमारी वीडियो देख रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो यहां पर लहसुन जा चुका है हमारे गोश्त के अंदर, अब इसको हिला लेंगे और इसको कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट तक। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कवर कर देंगे। तो 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, अब हमने यहां पर जो है वो 40 मिनट के बाद हमने यहां पर ढक्कन को हटा दिया है और गोश्त हमारा तकरीबन बस गलने ही वाला है और हम इसको अच्छे से हिला देते हैं ताकि सभी मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से चम्मच को हिला देंगे और आप देख सकते हैं कि गोश्त है हमारा बस थोड़ा सा रह गया, तकरीबन जो है वो पक चुका है। तो यहाँ पर चमचा हिला लेते हैं और यहाँ पर अब हमारी बारी आ गई है टमाटर डालने की। 4 से 5 टमाटर हमने चॉप करके इस तरीके से बारीक बारीक कट करके इसके अंदर डाल दिए हैं और अब ऐड करेंगे टमाटर के पास तकरीबन 1 कप हमारे पास योगर्ट है यानी कि दही है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है वो टमाटर को और दही को गोश्त के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार कुक होता है, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है। तो अब बारी आ गई है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। तो स्पाइसेस में हमारे पास 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हमारे पास काली मिर्च। तो ये सब स्पाइसेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक हमने पहले ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर। 15 से 20 मिनट के बाद हमने दोबारा इसको खोला है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसके अंदर ऐड कर दिया हमने 250 ml ऑयल, 4 जो है वो साबुत हरी मिर्चें। तो देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है और अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। जो भी इसको देखेगा उसके मुंह में पानी जो है वह ज़रूर आएगा। तो आप भी हमारी रेसिपी को ट्राई करना ना भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और मैं यूं ही आती रहूँगी आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर। प्लीज़ 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 बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक वो पहले पहुँच जाए। तो मैं आऊँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।